तभी आपको व्हाट्सएप में आ रहा है। हमारे पास 3-4 दिन पहले लगभग 3 कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट बैक टू बैक आए थे, जिनमें किसी को कार्डियोलॉजी की, हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो अनफिट थे उस वक्त सर्जरी के लिए। कुछ ऐसे थे जिनको जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में इतना फैल गया था कि बहुत सारे जो सिस्टम्स थे बॉडी के वो उनके डिसफंक्शन हो गए थे, लीवर जो था, किडनी थी। तो ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करना बहुत चैलेंजिंग रहता है। जो पेशेंट का सर्जरी के बाद में आउटकम है वो पोअर रहता है। तो वो हमने एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जो थी हमारी स्पेशलिस्ट्स की, उनको हमने इन्वॉल्व किया और सबकी, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट थे बीच में, फिजिशियंस थे, चेस्ट वाले डॉक्टर साहब थे हमारे, सबको इन्वॉल्व किया हमने और पेशेंट को प्रॉपरली मैनेज करके, ऑपरेट करके आज विद ग्रेस ऑफ गॉड जो हैं तीनों पेशेंट्स हैं हमारे वो हेल एंड हेल्दी हैं और 1-2 दिन में लाइकली डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। सर, मेरे भाई की सर्जरी हुई है यहाँ पे, उसका अल्सर फट गया था, उसकी सर्जरी हुई है, मतलब बहुत ही उसके अंदर पूरा इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर साजिद सर ने उसका ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन आज अगर उसको ज़िंदगी दूसरी बार मिली है तो वो डॉक्टर साजिद सर की वजह से मिली है। ऊपर वाले ने ज़िंदगी उसको बख्शी और वसीला ये बन गए। तो सर, जो इन्होंने, जो डॉक्टर साजिद सर ने जो किया है सर, मैं तो सोचता हूँ ऐसे कोई वार्ड नहीं है मेरे पास कि उनका शुक्रिया अदा करूँ। जो कुछ उतना उन्होंने किया है ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। आज अगर वो होशियार हैं, दुनिया में वापस आएँ, तो इनकी वजह से, ठीक है सर। और बाकी यहाँ पे मतलब किसी चीज़ की परेशानी, दिक्कत नहीं हुई। ऐसा अगर स्टाफ यहाँ पे रहेगा तो सर, मैं तो सोचता हूँ किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और गोल्डन कार्ड वालों का, जिन्होंने 5 लाख दिया हुआ है सर। यहाँ पर अभी तक तो कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। मुझे पेट में दर्द हुआ था बहुत, तो वहाँ से यहाँ लाए एमरजेंसी में, आंतरियों में गांठ लग गई थी। तो फिर डॉक्टर साजिद सर ने ऑपरेशन किया मेरा, अब मैं बहुत ठीक हूँ, मतलब अब ठीक हूँ। अब 2-3 दिन के बाद घर जाऊँगा, तो मेरा इलाज भी गोल्डन कार्ड के ज़रिए उससे हो। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 20-25 टांके का ऑपरेशन।